सविता ने मेरी जिंदगी को 10 साल और बढ़ा दिया। इन शब्दों के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपनी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे सविता अंबेडकर बाबा साहेब के जीवन में आई, उनके बाबा साहेब के साथ रिश्ते कैसे रहे, क्या माता रमाबाई की तरह ही बाबा साहेब का और सविता अंबेडकर का रिश्ता दोस्ताना था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तरुण कुमार और आप सभी का द बहुजन शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब ने अपना जीवन दलितों और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनके इसी जीवन समर्पण के चलते उन्होंने न जाने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया। इस बात की कीमत न केवल बाबा साहेब ने बल्कि उनके परिवार को भी चुकानी पड़ी। माता रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले पड़ गए। यह तस्वीर उस दर्द को बयां कर रही है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर माता रमाबाई की जुदाई में जी रहे थे। लेकिन उन्हें इस तकलीफ से उबारा शारदा कवि यानी कि सविता अंबेडकर ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन में संगिनी बनकर आई सविता अंबेडकर ने न केवल उम्र के बंधनों को तोड़ दिया बल्कि उस समय जातिवाद के परंपराओं को भी लात मार दी। फॉरवर्ड प्रेस पर प्रकाशित एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मोहनदास नेमिश्रा सविता अंबेडकर और बाबा साहेब के जीवन में आने की बात बताते हैं। सविता जी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कैसे, कहां, कब और क्यों आई, इस बारे में बहुत से लोगों के मन में हजारों सवाल रहे हैं। वैसे भी इस बारे में बहुत सारे लोगों ने उलट पुलट बातें फैलाई हैं। दरअसल मुंबई के विले पार्ले में डॉक्टर एस एम राव रहते थे जो कि बाबा साहेब के अच्छे दोस्त भी थे। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर उनके यहाँ आ जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर और शारदा जी की पहली मुलाकात यही डॉक्टर राव के घर पर हुई थी। ऐसा है कि सविता जी बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा है। वो एक तो सारस्वत ब्राह्मण थी और 6 बहनें थी और वो मेडिकल ऑफिसर थी, माने उनकी सर्विस लग गई थी, मेडिकल ऑफिसर थी। मेडिकल ऑफिसर जहाँ थी महाराष्ट्र में वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया था किसी कारणवश, नंबर एक। नंबर दो, उनके बाद बम्बई में डॉक्टर थे जिनके पास बाबा साहब जाते थे कभी कभी इलाज के लिए, वहाँ फिर वो अपनी सेवाएं देने लगी थी। तो उनके भीतर थोड़ा एक समाज सेवा का एक थोड़ा सा ये तत्व आया कि भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये बातें मैं इसलिए बतानी ज़रूरी है कि उनकी बैकग्राउंड्स बतानी चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि सारस्वत ब्राह्मण रही हैं और बहुत प्रगतिशील रही हैं, तो वहाँ बाबा साहब से उनकी मुलाकातें हुई। मान अब जहाँ तक प्रभाव की बात है दोनों का आपस में परस्पर जो मतलब ये हुआ, क्योंकि बाद में उनके पत्र भी आते थे, अभी उनकी भी एक आत्मकथा आ गई है ना सविता अंबेडकर जी, हिंदी में भी आ गई है। तो ऐसा है कि और बाबा साहब को कुछ तकलीफ होती थी वो जाते थे बम्बई मिलते थे तो वो अक्सर होती थी। डॉक्टर राव ने जब सविता अंबेडकर का परिचय बतौर डॉक्टर बाबा साहेब से कराया तो महिला उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सविता अंबेडकर से पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल किए। पहली मुलाकात के बाद ही सविता अंबेडकर यह जान चुकी थी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुई थी। वह इस बात को खुद भी लिखती है कि समय के साथ साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ती चली गई, साहित्य, समाज, धर्म आदि विषयों पर हम दोनों में बहुत बातचीत हुआ करती थी, कभी कभी तो हम दोनों के बीच बहस भी हो जाया करती थी। बाबा साहेब भीमराव मेरे तर्कों को बहुत ध्यान से सुनते थे, उसके बाद अपनी बात कहते थे। वो भी थोड़ा सा प्रभावित हुई क्योंकि बाबा साहब तो उस समय वायसराय काउंसिल के मेंबर थे और वायसराय काउंसिल का मेंबर होना टेक्निकली वो
समझ लीजिए कि 4 मंत्री के बराबर एक पद होता था उस समय। बाबा साहब को जितने पोर्टफोलियो मिले हुए थे लेबर का, ये अदर, तो वो भी प्रभावित थी। और बाबा साहब को जरूरत थी, माने एक महिला की जरूरत थी, मैं अगर ये कहूँ कि बाबा साहब को एक ऐसी महिला की जरूरत थी जो उनके विचारों को समझे और उसके अनुरूप उनको मदद करे, उनके साहित्य से संबंधित विमर्श होता रहे पारिवारिक एक स्थिति में। तो बाबा साहब के अलग अलग विचार थे, माने केवल ये नहीं भी एक महिला की जरूरत थी, ऐसा नहीं। इसके अलावा जो सामाजिक संबंध होते हैं वो बाबा साहब के जहन में थे, और इसलिए उन्होंने फिर बाद में शादी का प्रस्ताव और यहाँ बाकायदा कोर्ट मैरिज की, और उसमें डॉक्टर जो सोनलाल शास्त्री जी, उन्होंने जिक्र किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मेरे 25 वर्ष, हाँ, तो उसमें जिक्र किया। कुछ लोग बंगले पे यहीं उनका कोर्ट मैरिज हुई और वो इस तरह से हुआ। 1947 आते आते डॉक्टर अंबेडकर अपनी तबीयत के बारे में चिंतित रहने लगे थे। लोक वार्डियन गृह प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब के हवाले से पता चलता है कि 16 मार्च 1948 को बाबा साहेब गायकवाड़ को लिखे पत्र में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने वाली किसी औरत को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होंगी, अतः शादी करना ज्यादा अच्छा मार्ग है। यशवंत की मां की मृत्यु के बाद मैंने शादी न करने का निश्चय किया था, लेकिन आज के हालात में मुझे अपना निश्चय छोड़ना पड़ेगा। के बाबा साहब ने खुद ये बात कही सविता जी से एक पत्र में के मैं, मेरा जीवन जैसा रहा है उस जीवन को वैसे ही मैं आगे भी रखना चाहता हूँ, और कोई टीका टिप्पणी मुझ पर ना करे। आप मेरे जीवन साथी बनना चाहते हैं, उसी रूप में मैं आपसे आगे का वार्तालाप और संबंध रखूँगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो ये एक बात ये रेखांकित होती है कि बाबा साहब अपने करेक्टर को माने वो बनाए रखा, और उन्होंने, और उनको मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको एक साथी की ज़रूरत थी, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथी की ज़रूरत होनी चाहिए, इतनी उम्र में कोई व्यक्ति अगर अकेला है, और अकेले का मतलब यह है कि एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, और वाकई में अकेले रहते थे, केवल उनका एक लड़का यशवंत अम्बेडकर वो उनके पास आता था कभी कभी, और कभी कभी वो जैसे अक्सर बेटे होते हैं तो फिर वो बम्बई चला जाता था, तो बिल्कुल अकेलापन था बाबा साहब के जीवन में। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हुआ। शादी के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर रामेश्वर दया डिप्टी कमिश्नर दिल्ली बुलाए गए थे। यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ था। शारदा कबीर एक ब्राह्मण लेकिन प्रगतिशील परिवार से आती थी। उनके घर वालों ने भी इस शादी पर आपत्ति नहीं जताई। ब्राह्मणवाद की सबसे कटु आलोचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर शारदा जी को प्यार से सविता कहकर बुलाते थे। इसी वजह से शारदा कबीर हमेशा के लिए सविता अंबेडकर हो गई। उन्होंने ना सिर्फ बतौर डॉक्टर बाबा साहेब की सेहत का ख्याल रखा, बल्कि एक जीवन साथी के तौर पर उनके सामाजिक कार्यों में भी भरपूर साथ दिया। चाहे मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण कार्य हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, वो हमेशा बाबा साहेब के साथ ही नजर आती थी। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को दोनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद सविता अंबेडकर भी अकेली रह गई। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि सविता अंबेडकर ने ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की हत्या की है। कई तरह की तमाम अफवाहें फैलाई गई। किसी ने कहा कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जहर देकर मार दिया, तो किसी ने अपनी नई कहानी बुनी। लेकिन कोई भी जांच रिपोर्ट इस तरह की सामने नहीं आई जो इन सभी दावों को सही साबित कर सके। मैं इस आरोप को बिल्कुल एक बेबुनियाद मानता हूँ, इसलिए
कि सविता अम्बेडकर जी, मैं जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में एडिटर रहा हूँ, अशोका रोड पे ये ऑफिस था उस समय, सविता जी हमारे ऑफिस आती थी और मिलती जुलती थी लोगों से। तो और उसमें भी बाद में जो मैं बम्बई जाता था, बम्बई प्रवास में वो मुलाकातें होती, बातचीत होती थी। तो ये बात मैं इसलिए, मैं अपनी और सविता जी की मुलाकात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको तभी पता लगती हैं। एक एक व्यक्ति दूर है और उससे आपके कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उसका जवाब देना और एक जो नज़दीक आदमी है उसका जवाब देना, वो एक फ़र्क होता है। तो सविता जी आरंभिक दौर में थोड़ा सा एक बड़े व्यक्ति की पत्नी रही हैं, इसलिए होता है मनोवैज्ञानिक रूप से, तो वैसी वो भी थी। लेकिन बाद में थोड़ा सा वो बहुत सोशल होने लगी थी और दलित समाज के लोग, जैसे रामदा आठवले के प्रोग्राम में बहुत जाती थी, लखनऊ में दलित पैंथर का प्रोग्राम होता वहाँ जाती थी एक उतनी उम्र में। तो ये बहुत सारे लोगों ने और उसमें आगे रहे ना, ऐसे सोनलाल शास्त्री जी, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, सोनलाल शास्त्री जी और नानक चंद दत्तू और दो तीन चार लोग और, उन्होंने ये अफवाह उड़ाई, मैं अफवाह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये अफवाह भी नहीं कहूँगा मैं, ये एक जानबूझ कर किसी महिला पर दोषारोपण करना और ऐसी महिला पे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रही हैं, माने एक बड़े व्यक्ति की पत्नी रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर दलित, समझो कि सविता अम्बेडकर अगर दलित होती, उदाहरण के लिए मान लिया, तो क्या ऐसा होता? नहीं। एक दलितों का मनोविज्ञान ये भी रहा कि वो ब्राह्मण थी, इसलिए ब्राह्मण होने के बहाने आप कुछ भी दोषारोपण करें, तो मैं नहीं मानता ऐसा, वो बिल्कुल गलत है मेरी राय में। अपनी आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में सविता अंबेडकर लिखती हैं, डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद मुझे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी देने और राज्यसभा में लेने की बात कही थी, लेकिन मैंने स्वेच्छा से मना कर दिया। कारण था कि बाबा साहेब ने मुझे किसी तरह की नौकरी से अलग रहने के लिए कहा था। मैंने नेहरू के आमंत्रण को तो छोड़ दिया, पर बाबा साहेब की बात को नहीं तोड़ा। राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार करना कांग्रेस की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो मैं नहीं चाहती थी, और यह सब स्वीकार करना बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध जाना था। वे आगे लिखती हैं, मुझे साहेब ने स्वीकार किया, मैं अंबेडकर में हो गई, मैंने उनका हमेशा साथ दिया अंबेडकर होकर, यह मैं गर्व से लिख रही हूं। साहेब के परिनिर्वाण के बाद बीते 36 सालों में मैं विधवा का जीवन जी रही हूं, वह भी अंबेडकर के नाम के साथ। मैं अंबेडकर के नाम के साथ जी रही हूं और मरूंगी भी अंबेडकर के नाम के साथ। क्या इस आरोप में सच्चाई है कि सविता अंबेडकर ने बाबा साहब को लोगों से मिलने जुलने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद नानक चंद रत्तू और सोहनलाल शास्त्री जैसे लोगों ने कहा कि सविता ने बाबा साहब को अपने काबू में कर लिया? वो एक केवल दोषारोपण था इन दोनों लोगों का और इनके साथ और बहुत सारे लोगों का, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। कि देखिए, एक कोई मंत्री है या VIP है या कुछ भी है, उसकी पत्नी ही मैं कहूँगा, शादी की थी मैंने, तो एक मनोविज्ञान ये होता है पत्नी का कि वो उसके जो पति हैं, वो चाहे कितने बड़े पद पर हैं, कुछ भी हैं, वो अक्सर लोगों को मिलने के लिए कम परमिशन देती रही है। माने ये सभी जगह होता है, केवल बाबा साहब या सविता अंबेडकर के बारे में अगर हम इसको, इस बात को तूल दें, तो ये एक बेमानी बात है। माने सभी मनोवैज्ञानिक रूप से सभी महिलाएं वो ये चाहती हैं कि भी उसके जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, क्योंकि उसकी भी एक हिस्सेदारी है। मैं एक लेखक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, उसकी पत्नी की भी तो हिस्सेदारी है ना भाई, समाज में वो भी तो रह रही है ना,
अगर सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे और फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को अगर रात के 11 बजे तक वो मिलते जुलते रहें, तो उसको भी समय चाहिए। तो आपका जो पहला सवाल है वो उसका जवाब यही है कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती थी। सभी महिलाएं लगभग माने कुछ अपवाद को छोड़ के, उनको खुद व्यक्तिगत रूप से भी कुछ परेशानी होती होगी व्यक्तिगत, और सामाजिक रूप से इसलिए कि कोई अगर मिलने आया वो सोनलाल शास्त्री जी के पास आएगा पहले या नानक चंद्र दत्तू जी के पास आएगा, और वो मिलने के लिए कहा होगा और वो नहीं मुलाकात हुई होगी तो बुरा लगता होगा, जाहिर बात है। सविता माई का साल 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जेजे अस्पताल में निधन हो गया, लेकिन आज भी सविता अंबेडकर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वैवाहिक जीवन को लेकर लोगों के बीच फुसफुसाहट जारी है। एक ऐसी महिला को हम लोग बीच में छोड़ रहे हैं, छोड़ने का मतलब यह है कि उस पर दोषारोपण कर रहे हैं बिना वजह। बाबा साहब चले गए तो आप लोगों की यह है, आप लोगों का माने चेतना या ये कहना चाहिए मुझे कि आपको उनकी वेलकम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जबकि दलित समाज के अधिकांश लोगों ने ये दोषारोपण किया बिना वजह से माने, तो ये मेरी अपनी राय में उस महिला का हमें सम्मान करना चाहिए था और आज भी सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब की जीवन साथी होने के नाते न कि यह है कि आप उन पर बिना वजह दोषारोपण कर रहे हैं, और कोई दोषारोपण सिद्ध नहीं हुआ। बार बार जो उस समय के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उनको बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं यहाँ के लोग बिना वजह, वो गालियाँ दे रहे हैं माने, तो ये एक गलत बात है मेरी अपनी राय में। दलितों को कुछ सीखना चाहिए, कुछ उस तरह से माने ये उस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और मैं आज की डेट में नहीं, बहुत पहले जब इस तरह मैंने बात की है, 100% ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा साहब की हत्या की वो दोष हुई है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है माने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को हमें बंद करना चाहिए। आने वाले समय में हम आपके सामने तथ्यों के साथ इस विषय पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अंबेडकरवादी पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। जय भीम।